गाइस देखो, ये बादल अब पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। देखो, हम इतनी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। देखो तो गाइस, जैसा कि आपने देखा इससे पहले वाले व्लॉग में, हमारा लगभग आधा सफ़र पूरा हो चुका है। हम उत्तराखंड में एंट्री हमने कर ली है और अब असली व्लॉग आज का जो है वो असली मज़ा इसमें आने वाला है, क्योंकि इसमें सारी चढ़ाई पहाड़ की है। ठीक है, तो इसमें सड़कें टेढ़ी मेढ़ी और चढ़ाई, वाटरफॉल एक दो, जो भी आपको दिखेगा। ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि एडिट एडिट मैंने बाद में की है ना, रूम पे पहुँचने के बाद। ठीक है, तो इन्जॉय द व्लॉग। तो गाइस, फाइनली हम नैनीताल रोड पर पहुँच चुके हैं। ये है कैनाल रोड, नैनीताल वाली रोड है। अभी यहाँ से लगभग 39-40 किलोमीटर है। सामने देखो, अगर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत हल्का सा व्यू है। लेकिन ये ना, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यार, ये पास नहीं आ रहे, उतनी दूर जा रहे हैं। बहुत देर हो गया हमें चलते चलते यार। देखो गाइस, आखिरकार देखो पहाड़ हमारे नज़दीक आते हुए। थोड़ा तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल का सूट है, तो इस वजह से शायद आपको दूर दिख रहा होगा अभी। पर देखो इस पेड़ के बाद देखना आप, काफी पहाड़ दिखने लगे हैं यहाँ से। ओह भाई, के नदी नीचे है। तो गाइस देखो, ये है व्यू, ये देखो नदी नीचे चल रही है, नदी। ये लो सुन भाई, गाइस देख सकते हैं क्या नजारा है यहाँ का। हम लोग काफी ऊंचाई पर खड़े हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर हमारे सुन भाई, देखो चारों तरफ, और हम भी जहाँ पे खड़े हैं ये पहाड़ी है। पीछे को जैसे हम थोड़ा हम पहाड़ों पे ही हैं फिलहाल, और पहाड़ कट के ही नीचे देखो वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। देखो गाइस, पहाड़ों में ही बादल आ रहा है यार, क्या सीन है। देखो पहाड़ों पे कितना गजब है, देख रहे हैं जो हम लोग कभी टीवी में देखो देखा करते थे। ये पतली पतली सड़कें हैं पहाड़ों पे भाई, के क्या नजारा है। ये सिंगल सिंगल रोड, आगे बादल यार, नैनीताल के लिए। ये बादल अब पहाड़ों से नीचे आ गए हैं। देखो, हम इतनी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। देखो ये भाई, क्या भी हुआ यार। तो गाइस फाइनली रूम हमें मिल चुका है। सॉरी हम नहीं दिखा पाए आपको रूम कौन सा कैसे हमने लिया, सारा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए। रूम हमने ले लिया गाइस, लेकिन देखो आपको मैं दिखाता हूँ। इसका होटल का नाम है नेशनल होटल करके कुछ है ऐसा ही, तो इसमें हमने रूम लिया है। देखो रूम दिखाता हूँ मैं, उससे पहले आप व्यू देखो यहाँ का। देखो ये व्यू है फ्रंट का, और ये साइड वाला व्यू दिखाता हूँ। देखो आपको ये साइड का व्यू है गाइस, देखो यार क्या ऑसम जगह है, सच में जन्नत बनाई है ऊपर वाले ने, जन्नत। लोग यहाँ पे रहते हैं। ये देखो ये पार्किंग है, वो हमारी नीचे बाइक खड़ी है। देखो चलो गाइस, अब आपको मैं रूम दिखाता हूँ। देखो रूम लिया है हमने ये वाला, सोनू भाई हमारे नैनीताल का मजा ले रहे हैं। नैनीताल, ये रूम है, ये साइड में दो चेयर हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी का महीना है और जुलाई में हम लोग। सच में गाइस, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होगी। सच में बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, बाइक चलाने में
यहाँ पर लोगों ने जो जैकेट पहन रखा है मैंने देखा यहाँ पे, और जुलाई चल रहा है यार, आप खुद सोचो हमारे इधर इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है कि क्या। और मैं आपको अगर नैनीताल अगर आप कभी आने के लिए सोच रहे हो तो बेस्ट टाइम बता रहा हूँ जुलाई या अगस्त। क्यों? क्योंकि यहाँ का ऑफ सीजन होता है, रूम भी सस्ते हैं और हर चीज़ सस्ती मिल जाएगी आपको। अगर आप जुलाई मई में आओगे ना तो सच में ये रूम जो हमने लिया है ये आपको 10,000 में मिलेगा। अभी हमें तो आप सोच नहीं सकते, बहुत सस्ता मिला है। डीलक्स रूम है ये, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा हम भी यार फ्रेश हो जाते हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत लंबा सफ़र था सच में, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। अपना वाहन अगर अपने भी कोई भी व्हीकल लेके आओगे आप तो बहुत ध्यान से आना कभी भी आओ तो, ठीक है। अभी तो आज तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अभी हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद थोड़ा सा पैदल वॉक करेंगे, घूमने जाएंगे थोड़ा सा पैदल, फिर उसके बाद आके सो जाएंगे। फिर असली जो व्लॉग बनेगा वो कल हम दिखाएंगे आपको यहाँ का लेक। लेक यहाँ से इस होटल से मुश्किल से 200 मीटर दूर पे है, हम पैदल भी जा सकते हैं। तो कल आपको लेक दिखाएंगे और जो भी यहाँ का नैनीताल का व्यू है जो यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, जो कुछ खाना वाना खाना है, डिनर करना है। तो अभी हम ऐसे ही बाय वॉक मार्केट में जा रहे हैं, खाना वाना खा लें इनके लिए, डिनर करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आराम करेंगे। बस थोड़ा सा सूट है, चलते हैं फिर। तो गाइस देखो रूम के बाहर का सीन, ओहो भाई के देखो कहाँ तक लोग रह रहे हैं। तो गाइस हम लोग गए थे मार्केट, तो मार्केट में तो हमें कुछ ऐसा खाने के लिए खास दिखा नहीं और मिला भी नहीं, तो हमने होटल में ही, जिस होटल में हम रुके हुए हैं जहाँ पे हमने रूम लिया है, तो वहीं पे हमने खाना ऑर्डर किया था और खाना आ गया है। ये है तवा रोटी, तवा बटर रोटी, और ये है दाल मखनी, और ये आलू जीरा, और ये सैलेड, ठीक है। ये रहे हमारे सोनू भाई। इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। कल सुबह आप ज़रूर रेडी रहना कल के लिए, क्योंकि कल हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और कल जहाँ जितना भी नैनीताल है सारा घूमेंगे, जो घूमने की जगह है। और मेरे को तो अभी देखो आज तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इस वजह से अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, स्वीट ड्रीम्स।